अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी शवरमा रैप की रेसिपी। शवरमा रैप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी, बिल्कुल जो है वो आप जैसे बाहर बाज़ार का ला के खाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम घर में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 500 ग्राम मेरे पास जो है वो बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप स्लाइसेस में कट कर लें या क्यूब में। तो उसके साथ ही इसमें मैंने जो है वो लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच जो है वो शामिल कर दिया है। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें जाएगा सिरका। सिरके की जगह पे आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं, 1 चम्मच सिरका, और साथ इसमें हॉट सॉस जो है वो मैंने 1 चम्मच शामिल किया है। 1 चम्मच ही इसमें मैंने जो है वो सोया सॉस का शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो जाएगा। थोड़ा सा नमक डालने के साथ ही हम इसमें जो है वो थोड़ी सी ब्लैक पेपर आप यूज़ करना चाहें तो वो सिर्फ कर लें, और अगर आप रेड चिली वगैरह भी यूज़ करना चाहें तो वो कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी का पाउडर, साथ में चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने बिल्कुल बाजार जैसा बनाना है ना, ज़रा स्पाइसी ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा, तो फिर आपने इसमें रेड चिली का यूज़ करना है। उससे जो है वो ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। जैसे हम बाज़ार से लाते हैं ना स्पाइसी, तो वो ज़बरदस्त सा वैसे ही फ्लेवर आएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं लंच बॉक्स में देने के लिए, तो फिर आप इसमें ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिल्ली भी पिसी हुई यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे इसकी मैंने मैरिनेशन तकरीबन आधा घंटा की थी। आधे घंटे के बाद इसमें मैंने जो है एक पैन लिया, पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं, और उसके बाद इसमें मैंने मैरिनेट की हुई चिकन इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको दम पे छोड़ देंगे। जैसे ही वो, जब तक चिकन जो है हमारी रेडी होती है, हम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं, जिसमें मैंने बंद गोभी का यूज़ किया है। बंद गोभी को आपने इस तरह से ज़बरदस्त सा बारीक बारीक जो है वो उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के साथ ही मैंने इसमें एक बाउल आपने जो है वो बड़ा लेना है, जिसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाए। बंद गोभी शामिल करने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज, वो भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। स्लाइसेस अगर आप गोल रिंग बनाना चाहें तो वो भी कर लें, लेकिन इस तरह के अगर स्लाइस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस यहाँ पे जो है मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसकी आपने कटिंग करके उसके बाद आपने इसको धो लेना है। आपने इसको काटने के बाद नहीं धोना, इस तरह फिर जो है वो बिल्कुल ही सौगी सी हो जाएगी। साथ ही मैंने यहाँ पे एक टमाटर ले लिया मीडियम साइज़ का, बीज उसके रिमूव कर देने हैं। उसको भी हमने स्लाइसेस में इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। वेजिटेबल तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी वेजिटेबल्स चाहें वो ऐड कर सकती हैं, क्योंकि घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चिकन भी पसंद नहीं करते, तो बेहतर है कि आप फिर वेजिटेबल इसमें जो चाहे वेजिटेबल यूज़ करें। कबाब डाल लें अगर वो कबाब खा सकते हैं घर में, तो वो यूज़ कर लें। वेजिटेबल जो है वो जो आप खा सकते हैं इजीली वो यूज़ कर लें। साथ ही मैंने इसमें जो है हाफ शिमला मिर्च जो है वो ली है, उसके बारीक बारीक स्लाइस कट के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने खीरा, खीरे का आप छिलका रिमूव कर लें हल्का हल्का सा, क्योंकि मैंने जो है शिमला मिर्च भी ग्रीन है, तो मैंने सोचा कि खीरे का जो है वो छिलका रिमूव कर देती हूँ, ताकि इसका एक और कलर जो है वो वेजिटेबल में ऐड हो जाएगा, मतलब वाइट सा पिस्ता सा कलर। तो बस यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया और उसके भी मैंने अच्छे से स्लाइसेस जो है वो कट कर लिए। इसी तरह ये सारे शामिल करूँगी। इसके साथ साथ आपने जो है वो ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे किए थे। अगर आपके पास हैं तो यूज़ कर लें, अगर स्किप करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। 2 मैंने यहाँ पे लेमन लिए हैं। अब 2 लेमन का रस जो है वो हम शामिल करेंगे वेजिटेबल्स के अंदर। उससे क्या होता है कि ज़बरदस्त सी जो हमारी सब्जियां हैं ना, वो उसका बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत ही मज़े की लगती हैं। अगर आपके घर में बच्चे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं जो चिकन नहीं पसंद करते ना, तो फिर आप सिर्फ वेजिटेबल जो है वो उसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा नमक मैंने इसमें शामिल किया है, थोड़ी सी इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ आप चुकंदर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। मेरे पास थी, लेकिन मैंने उसको जो है वो पानी में रखना भूल गई थी। अगर मैं उसको पहले से पानी में रख लेती तो उसका सारा कलर जो है वो रिमूव हो जाना था अंदर से, और फिर मैंने वो शामिल करनी थी, इसलिए अब मैंने इस पॉइंट में शामिल नहीं थी कि क्योंकि मुझे पहले काटना ही भूल गई थी मैं। साथ ही मैंने इसमें ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स दोनों शामिल कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर भी शामिल किया है। अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो ऑलिव ऑयल भी यूज़ करूँगी। अगर आपके पास है तो वही यूज़ कीजिएगा, आप इसमें कुकिंग ऑयल ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे जो है ना वो फिर वो कच्चा जो फ्लेवर आता है ना, तो वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और वो बिल्कुल जो है वो फ्लेवर भी बुरा कर देता है खाने का। तो बस आपने ऑलिव ऑयल जो है, अगर आपके पास है तो चंद ड्राप जो है वो यूज़ कर लें सैलेड में।
अब यहाँ पे हम इसकी जो है वो सॉस तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने कैचअप लिया है, हॉट सॉस इसमें यूज़ किया है। हॉट सॉस आपने 1 चम्मच रखनी है, लेकिन आपने किसके अकॉर्डिंग रखनी है, मैं 4 जो है वो रैप बना रही हूँ ये मैं उनके लिए रेडी कर रही हूँ सॉस। साथ ही इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर दिया है, उसके साथ मैंने थोड़े से इसमें ओरिगैनो शामिल किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तकरीबन जितनी भी चीज़ें इस तरह की बनाती हूँ ओरिगैनो ज़रूर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें मेयोनीज शामिल किया, और अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। एकदम से पानी मत डालिएगा, क्योंकि कैचअप हॉट सॉस वगैरह तो सारी जो है वो बिल्कुल पानी की तरह होती हैं, लेकिन जो ये है ना मेयोनीज, ये थोड़ी सी थिक होती है। तो फिर इस तरह जो है वो हमने सॉस को थोड़ा सा रनी करना है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल कर दिया है। 3 से 4 चम्मच जो है वो पानी आप शामिल कर लें। साथ ही हमारी इतनी देर में चिकन भी रेडी हो गई थी, उसमें से पानी भी ड्राई हो गया था और ये अच्छे से टेंडर और सॉफ्ट हो गई थी। अब हम जो है इसको थोड़ा सा भून लेते हैं हल्का सा, इससे ये होगा कि जितना भी इसमें मॉइस्चराइज़र है यानी कि पानी वगैरह है वो सारा फुली ड्राई हो जाए, और जितने भी इसके स्पाइसेस हमने ऐड किए थे वो सारे चिकन के साथ चिपक जाएं। तो उतना देर हम इसको जो है वो कुक कर लेते हैं। साथ ही मैंने कोयला जो है वो मैंने चढ़ा दिया था एक साइड पे, वो जल रहा है, वो इसलिए इसको हमने स्मोकी फ्लेवर देना है। स्मोकी फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा लगता है ना। अगर हम बाज़ार का शोरमा लाएं तो वो आपने नोट किया होगा कि वो लोग जो है वो कोयले पे चिकन को यू बनाते हैं, या फिर उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्ती वो तारनुमा बनाया होता है, उसके ऊपर चिकन चढ़ाई होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पकती रहती है। तो अब हम घर में तो इस तरह करने से रहे, तो बेहतर है हम इसमें एक कोयला जो है वो रखेंगे और उसका फ्लेवर चिकन में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है रैप, आप यहाँ पे घर की रोटी भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बाज़ार से ये टोटीला ब्रेड ही लानी है, कोई इशू नहीं है। आप घर में रोटी बनाएं, मैदे की बना लें, जो आप घर में नॉर्मली आटा जो यूज़ करते हैं उसकी पतली सी रोटी जो है वो पका लें, और आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अब सॉस, अब मैं 2 शोरमे बनाऊंगी, रैप बनाऊंगी जो कि बिल्कुल कम सॉस वाले होंगे, और जो 2 बनाऊंगी वो सासी बनाऊंगी। अगर आपके घर में कम सॉस पसंद की जाती है तो आपने इसी तरह पूरी रोटी के ऊपर बस थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब सॉस लगा लें, और उसके अंदर जो है वो फिर चिकन आप इस तरह से भर के लगाएं। अब देखें जब हम बाज़ार से लाते हैं उसमें चिकन इतनी ज़्यादा नहीं भरी होती, अगर हमने खुद से ज़्यादा जो है वो चिकन ऐड करानी है तो उसके एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस भी लेते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है वो अगर घर में बनाएं तो अपनी मर्ज़ी से उसमें चीज़ें ऐड करें। अब यहाँ पे चिकन डालने के बाद इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा भर के जो है वो मैंने सलाद डाला है। अगर आप इस तरह से रैप करेंगे तो ये सही से नहीं होगा। अब आपने इस तरीके से इसको रैप करना है, पहले नीचे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह साथ से इसको इस तरह से रैप करते जाएंगे। अगर आपने बच्चों को लंच में देना है तो आप फिर इसके ऊपर बेकिंग पेपर भी साथ ही इसके ऐसे ही रैप करते जाएंगे, नीचे फैला लेंगे और रोटी के साथ साथ उसको रैप करते जाएंगे। अब बारी आती है जो हमने अपना सॉसी रैप बनाना है, वो तो मैंने बनाया था सिंपल, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉस वगैरह ऐड नहीं थी की। अब जो हम सॉसी रैप बनाएंगे उसमें भी चीज़ें तो सारी वही जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम सॉस की भी मिकदार ज़्यादा कर लेंगे, मतलब चिकन और सलाद वगैरह डालने के बाद इसके ऊपर अच्छी खासी भर के हम सॉस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी सी ये देखें इस तरह से हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसके ऊपर जो है फिर थोड़ी सी हॉट सॉस भी यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे इतना स्पाइसी काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं कि हम इसमें मिर्ची मिर्ची करके खाएं तो उसका कोई ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, इस तरह नहीं होता। तो बस यहाँ पे इसके ऊपर भी लास्ट में मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल डाली और उसके ऊपर फिर से सॉस डाली, और ये हमारे ज़बरदस्त से रैप तैयार हो गए हैं। तवे पे आप इसको आंच को आप मीडियम रखें, तवे पे कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसके ऊपर ऑयल लगाएं, अगर आप लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने हमारा मकसद है हम रैप खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को हम तल तल के ही खाएं तो ज़्यादा अच्छी है, वो हमारी सेहत के लिए भी उतनी अच्छी नहीं होती। तो बस इसी तरह से हमने इसको तवे के ऊपर जो है वो सारी साइडों से गोल्डन कर लेना है, यानी कि हल्का सा पका लेना है, और हमारे ज़बरदस्त से शवरमा रैप रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके घर में शवरमा रैप जो है वो पहले किस किस ने बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया तो मेरी रेसिपी से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे अब कम सॉस वाली के साथ हम वेजिटेबल शेयर जो है वो करेंगे सब,
यानी कि थोड़ी सी जो वेजिटेबल हमारे पास है उसके साथ सर्व करेंगे। जो हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉस वाले बनाए हैं रैप, उसके साथ हम सॉस ही सर्व करेंगे, क्योंकि जिसको सॉस वाला पसंद है उसके साथ हम सॉस जो है वो सर्व करते हैं, और जो थोड़ा से डाइट में चले जाते हैं उनके साथ हम वेजिटेबल रख देते हैं, यानी कि अपनी सैलड रख देते हैं, और ज़बरदस्त सा हम जो है हमारा जो है वो शवरमा रैप रेडी हो जाएगा। तो इसके ऊपर ऑलिव्स लगा के और इसको टी शर्ट किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।